सिविल डिपार्टमेंट। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एयर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। एयर पोल्यूशन होता क्या है वो चीज़ हमने पढ़ा था और उसका रिवीजन भी किया था। उसके बाद हमने पढ़ा इसके स्रोत, ठीक है, जिसमें से पहले वाले में था एक विशिष्ट स्रोत, दूसरे वाले में था आपका अपवर्तीय स्रोत, ठीक है। विशिष्ट स्रोत में क्या था कि अगर किसी प्रॉपर किसी एरिया में अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसी एरिया तक वो सीमित हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी एरिया में अगर कोई फैक्ट्री है तो उस एरिया में फैक्ट्री वो एरिया ज़्यादा प्रदूषित होता है, ठीक है। तो वो क्या है विशिष्ट स्रोत, स्पेसिफिक सोर्स, ठीक है। और जो मल्टीपल सोर्स होता है, मल्टीपल सोर्स में क्या होता है कि जैसे आंधी तूफान ये सब चलता है, ये सब इन सब चीज़ों के चलते क्या होती है बहुत सारे धूल के कण ये सब फैल जाती हैं, कहीं आग लगा हुआ रहता है उसका धुआं क्लाउड में मिक्स हो जाता है, ठीक है, एटमोसफियर में मिक्स हो जाता है। तो वो क्या करता है आसपास की पूरे वायु को प्रदूषित करता है, तो वो होता है मल्टीपल सोर्स। उसके बाद हम लोगों ने इसका जो मुख्य स्रोत है उसको पढ़ा था, जिसमें एक था प्राकृतिक स्रोत, दूसरा था मानवीय स्रोत। तो जो प्राकृतिक स्रोत था वो क्या था, प्रकृति के द्वारा कुछ नेचुरल प्रोसीजर जो होता है उनके थ्रू जो वायु प्रदूषण होता है, जैसे ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, और गैसों का रिसाव, भूमि से गैसों का रिसाव, तो इन सब चीज़ों के चलते भी वायु प्रदूषित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, वो चीज़ बहुत कम मात्रा में होता है। तो प्रकृति क्या करती है उनको धीरे धीरे रिकवर भी कर सकती है, लेकिन जो इसका मुख्य स्रोत है वो है मानवीय स्रोत, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वायु प्रदूषण की मानवीय स्रोत, वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि मेन भूमिका निभाता है वायु प्रदूषण में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषण होता है उसका वजह क्या है मानवीय स्रोत, ठीक है। तो मानवीय स्रोत में क्या क्या आएगा, मानवीय स्रोत में आएगा दहन प्रक्रम, और क्या आएगा औद्योगिक प्रक्रम, और कृषि कार्य और विलायकों का प्रयोग, और परमाणु विस्फोट एवं ऊर्जा परियोजनाएं, ठीक है। अभी दहन प्रक्रम में क्या आएगा, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, घरेलू कार्य
ताप, विद्युत ऊर्जा, हेतु दहन, वाहनों में दहन, ठीक। तो जो मानवीय स्रोत हैं वायु प्रदूषण के, जो मानवीय स्रोत हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहले है आपका दहन प्रक्रम, औद्योगिक प्रक्रम, कृषि कार्य, विलायकों का प्रयोग, परमाणु विस्फोट एवं ऊर्जा परियोजनाएं। दहन प्रक्रम में क्या होता है, घरेलू कार्यों में ताप विद्युत ऊर्जा है, वाहनों में दहन, ठीक है, जो जलाने का जो प्रोसीजर होता है वो चीज। तो हमारा जो मानवीय जो ये है वायु प्रदूषण, ठीक है, वो क्या होता है, हम लोग खाना बनाने से लेकर, ठीक, मानव खाना बनाने से लेकर उद्योग चलाने तक हर चीज में दहन प्रक्रम का यूज करता है। आपको खाना बनाना है, आप स्टोव जलाओगे, गैस जलाओगे, ठीक है, चूल्हा जलाओगे, उद्योग में कुछ चीज बनाना है, जैसे आप लोग जानते हो कि बीएसपी में क्या होता है, लोहे का ढांचा तैयार होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत प्रकार की चीजें तैयार होती हैं, लोहे से बना, लोहे के सामान से बनी हुई वस्तुएं, लोहे से बनी हुई बहुत सी प्रकार की वस्तुएं वहाँ तैयार की जाती है। वहाँ भी क्या किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, इसके द्वारा दहन प्रक्रम के द्वारा, ठीक है। तो ये जो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक, इनसे क्या होती है, बहुत से प्रकार के सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें निकलती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वायु प्रदूषण का कारण बनता है। अब दहन प्रक्रम तो समझ में आ गया, घरेलू कार्यों में दहन, तो जो घरेलू कार्यों में दहन मतलब आप घर में क्या करते हो, खाना बनाते हो, ठीक है, पहले एक तो वो हो गया दहन प्रक्रम, दूसरा आपके घर में जो वेस्ट मटेरियल रहता है, ठीक, उसको आप जलाते हो, ठीक, वो हो गया दूसरा। तो इन सब घर में भी बहुत सारे कार्यों में हम लोग जलाने की क्रिया जो कंबशन प्रोसीजर है उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत सी प्रकार की, अब जैसे हम लोग जो वेस्ट मटेरियल जला रहे हैं उसमें प्लास्टिक भी होता है, रबर भी होता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के जलने से क्या होता है, प्रदूषक निकलते हैं, वायु प्रदूषण होता है, ठीक। तो एक्चुअल में होता क्या है, और कई बार क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है तो पूरी तरीके से जल नहीं पाता, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब लकड़ी जलाते हैं खास करके, ठीक, जब आप लकड़ी जलाते हो तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा धुआं निकलता है कई लकड़ियों में, कई लकड़ी जल्दी से जल जाती है, ठीक है, तो कई जगह पर क्या होता है, उसको ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ बस कम मिल पाती है, जिसके चलते वो जल नहीं पाता और धुआं निकलता है उसमें से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों, ये जो घरेलू कार्य है, ठीक, ये सब चीज़ क्या में आएगा, आपके घरेलू दैनिक जीवन, दैनिक मतलब दिनचर्या के कार्य में आएगा, ठीक है। उसके बाद है ताप विद्युत ऊर्जा हेतु दहन, ठीक है। तापीय ऊर्जा आप लोग जानते हो क्या होता है, तापीय ऊर्जा आप लोगों ने कोयले से चलने वाली ट्रेन जानते होंगे, आप कोयले से चलने वाले ट्रेन आपने देखा होगा, उसके ऊपर में एक चिमनी निकला हुआ रहता है, ठीक है, और उसमें से बहुत भारी मात्रा में काला कलर का धुआं निकलता है, देखा होगा पुरानी फिल्मों में देखा होगा, अगर ऐसे नहीं देखा होगा तो, ठीक है। तो वो क्या होता है, कोयला को उसमें जलाते हैं, ठीक है, कोयला के जलाने से क्या होता है, बहुत सी प्रकार की विषैली गैसेस, ठीक है, जो क्या करती है, एटमॉस्फेयर को, हमारे आसपास के वायु को प्रदूषित करती है, ठीक है, वो सब चीज़ रिलीज होता है। उसके बाद क्या है, वाहनों में दहन, ये तो बहुत सबसे मुख्य कारण बोल सकते हैं, दूसरे नंबर का, पहले नंबर का क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा,
दूसरे नंबर का जो सबसे मुख्य कारण है वो है वाहनों में दहन। हम अब वाहनों के ऊपर इतना डिपेंड हो गए हैं कि हमको ना 100 मीटर की दूरी भी अगर तय करनी है तो हमको गाड़ी ही चाहिए, हम खुद के हाथ पैर से काम लेना सही नहीं समझते। ठीक है, हमको कहीं जाना है, आसपास जाना है, पैदल नहीं जाना है, आप अपने को गाड़ी चाहिए। ठीक, हम यूज़ तो कर रहे हैं वो चीज़ ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि इतना ज़्यादा भी डिपेंड होने से एक तो हमारे शरीर को नुकसान है, दूसरा हमारे आसपास के वातावरण को नुकसान है। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, ठीक, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करने से क्या होता है, जो हानि होता है वो हानि की मात्रा कम हो जाती है। जैसे किसी भी प्रकार की, अब आपको भगवान ने हाथ पैर दिया है तो उसका यूज़ कर लो, ठीक, हो सकता है उसका यूज़ करने से हमारे आसपास का वातावरण बचा रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं, हमको अगर कहीं ट्रैवल करना है आसपास तो हम लोग गाड़ी में ही जाएंगे। ठीक है, और अब तो ट्रेंड हो गया है, पहले क्या होता था, एक घर में अगर मान के चलो 5 फैमिली है तो एक गाड़ी में काम चल जाता था, ठीक, कहीं दूर जाना हुआ तो। अब तो सबके हाथ में एक एक गाड़ी होना एकदम जरूरी हो गया है, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ उतना ज़्यादा तेल क्या होगा, जलेगा, और उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। दिल्ली का देख लो, दिल्ली में इतना ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में गाड़ियाँ चलती हैं तो वहाँ का पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और इसके बाद हाँ, ताप विद्युत ऊर्जा में कोयले को जलाते हैं उसमें निकलता क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोयले की राख, हाँ ये भी चीज, कोयले की राख भी निकलती है। ठीक है, जो ऐश रहता है कोयले का वो क्या होता है, वायु में मिक्स हो जाता है, छोटे छोटे कण, आपको पता है कोयला बहुत मतलब उस पाउडर फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसका जो वेट ज्यादा नहीं रहता है जिससे वायु प्रदूषित होती है। ठीक है, और इसमें एक और लिख सकते हैं अन्य कारण, अब अन्य कारण में का मतलब दिवाली आई है, आपको पटाखे फोड़ने हैं। ठीक है, और ठंडी आ रही है, आप तापना है तो आप लोग गोबर जलाओगे, लकड़ियां जलाओगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के चलते भी वायु प्रदूषित होता है। आप लोगों ने सुना होगा दिवाली में कम से कम पटाखे फोड़े, दिया जला के मनाए दिवाली, क्यों रहता है वो, ताकि वायु प्रदूषण ना हो सके। हम लोग साल भर में जितना वायु प्रदूषण नहीं करते उतना एक दिन में कर देते हैं। ठीक है, साल भर का तो चलो एक बार प्रकृति रिकवर कर लेंगे, लेकिन उस एक दिन का क्या, जो साल भर से तुम ज़्यादा करके बैठे हो आजकल आती हो। तो जो बता रहा था दिवाली, तो दिवाली में हम लोग बहुत सारे मतलब दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं जिससे बहुत सारे प्रकार के वायु प्रदूषण होते हैं। ठीक, अब क्या है आपका औद्योगिक प्रक्रिया, हमको हमारे निजी जीवन, ठीक है, आराम चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं की पूर्ति के लिए हमको बहुत सारे टाइप के सामान चाहिए, जैसे ट्रेवल करने का आपको व्हीकल, ठीक है, और हम आजकल अपने से ज़्यादा दूसरे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, तो उन सब चीज़ों की पूर्ति हमको कहाँ से होती है, उद्योगों से होती है। तो उद्योगों से जो पूर्ति होती है, तो औद्योगिक प्रक्रम में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये तो दूसरे वाहन में जहाँ दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है औद्योगिक प्रक्रम। जितने ज़्यादा उद्योग होंगे वहाँ मेनी टाइप्स ऑफ कंबसन प्रोसेस आर वहाँ चलते रहते हैं। ठीक है, रन करते रहते, बहुत सारे मेनी टाइप्स ऑफ बहुत सारे प्रकार के, तो उन सब और दहन के जो प्रक्रिया चलती है उद्योगों में उनसे भी बहुत सारे टाइप्स के जहरीले गैसेस, धुएं, वो सब निकलते रहते हैं। ठीक है,
उनसे भी क्या होता है आपका वायु प्रदूषित होता है। तो जो मेन स्रोत है जो सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं वो है औद्योगिक प्रदूषण। इस चीज़ को कम करने के लिए ना हमको थोड़ा सा अपना जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका ज़्यादा यूज करना है चाहिए। अब जैसे आपको भगवान ने पैर दिया है तो आप अगर आसपास कहीं जाना है तो आप पैर से भी जा सकते हो, उनका यूज़ कम कर दो। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर ला सकते हैं अपने लाइफ में, जिसकी वजह से हमारे आसपास होने वाले प्रदूषण कम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कृषि कार्य। कृषि कार्य में क्या होता है, हम लोग बहुत मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल यूज इन एग्रीकल्चर वर्ल्ड। ठीक, तो उसमें क्या होता है वो केमिकल जैसे पेट्रोल डीजल जानते हो, पेट्रोल जानते हो क्या, उड़ता है हवा में मिक्स होता है वो चीज़। ठीक है, उड़ता है तो हवा में मिक्स होता है वो चीज़। अब हवा उसी प्रकार से बहुत सारे टाइप्स के केमिकल होते हैं जिसको हम लोग कृषि कार्य में यूज़ करते हैं। ठीक, वो क्या होता है, वो भी उसका भी कुछ परसेंट हमारे आसपास के वायुमंडल में मिक्स हो जाता है वो चीज़। ठीक है, और वायु प्रदूषक का काम करता है। अब कृषि कार्यों में बहुत सारे प्रोसीजर भी ऐसे हैं जिनकी वजह से वायु में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं। ठीक, जैसे धान की कटाई के बाद उसका जब थ्रस्ट होता है, मतलब धान का जो रहता है धान, उसको पैरा से अलग किया जाता है। ठीक, थ्रेसर के थ्रू, उसमें जब थ्रेसर का यूज जब करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, वो उड़ते रहते हैं। फिर एक टाइम के बाद वो क्या होते हैं, अवलय का रूप लेके वो आ जाते हैं अर्थ सरफेस में आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा जहाँ भी इस टाइप का काम चलता है उसके आसपास बहुत दूर दूर तक उसके डस्ट पार्टिकल्स ऐसे फैले रहते हैं। जो बड़ा है वो तो आपको दिख गया, लेकिन जो छोटा है वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल ही गया ना। तो बहुत सारे टाइप्स के कृषि कार्य ऐसे हैं, प्रोसीजर भी ऐसे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसा है, कृषि कार्य से वायु प्रदूषित हो रहा है लेकिन इतने भारी मात्रा में नहीं हो रहा है जितना औद्योगिक प्रक्रम से हो रहा है। ठीक, विलायकों का प्रयोग। विलायकों का प्रयोग में क्या है, हम लोग बहुत टाइप के विलायक यूज करते हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप से करते हैं। आप लोगों ने देखा कोई अब कोई भी दवाई फैक्ट्री हो गई, ठीक है, या कोई भी जो साइंटिस्ट लोग लैब में अपना रिसर्च करते रहते हैं केमिकल रिएक्शन वाला, उन सब चीज़ों में भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनके कुछ पार्टिकल्स एटमोसफियर में मिक्स हो जाते हैं। तो आप जब विषैली गैसेस हमारे वायुमंडल में मिक्स होंगी तो वायु तो प्रदूषित होगा ही ना, क्योंकि वो केमिकल है, नॉर्मल सी बात है। तो विलायकों के प्रयोग से भी वायु प्रदूषित होता है। उसके बाद क्या है, परमाणु विस्फोट एवं ऊर्जा परियोजनाएं। अब परमाणु विस्फोट एवं ऊर्जा परियोजनाएं मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी में भी विस्फोट ही कराना पड़ता है, ठीक है, और उसके द्वारा उसके एनर्जी को क्या करते हैं, अवशोषित करके हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो परमाणु विस्फोट होता है, परमाणु विस्फोट जैसे अभी एक मूवी आई है परमाणु, उसमें आप लोगों को दिखाया होगा विस्फोट। तो किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजन जो होता है, ठीक, परमाणु हो चाहे न जो नॉर्मल वाला होता है वो भी, एक्सप्लोजन जब भी होगा तो क्या होता है, वहाँ पास बहुत सारे जैसे अर्थ सरफेस के बहुत सारे पार्टिकल्स उड़ने लगते हैं, वहाँ आसपास की चीज़ें जल जाती है। ठीक, तो आसपास कैसी कैसी चीज़ें प्रेजेंट हैं आपको थोड़ी पता है, वहाँ आसपास की चीज़ों के जलने की वजह से बहुत भारी मात्रा में जो होता है क्या, जहरीली गैसेस रिलीज होती हैं जो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती हैं। विस्फोट के कारण जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। तो वो सब भी एक भूमिका निभाते हैं इसका, आपके वायु प्रदूषण का। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं ये है मानवीय स्रोत वायु प्रदूषण के। ठीक है, हम लोग ये सब चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हम इनका ज़्यादा यूज़ करें और अपने आने वाली वीडियो के लिए समाप्त कर दें। ऐसा नहीं है, हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में, ठीक है, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, दिनचर्या में जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इन चीज़ों को बचाने का प्रयास करें, प्रदूषण को कम करने का प्रयास करें। ठीक है,
इन सब चीजों से क्या होगा, हमारे आसपास के जो वातावरण है वो प्रदूषित नहीं होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इतने ज़्यादा मात्रा में और लापरवाही के साथ नेचुरल सोर्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ख़त्म होने, कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है, और कई चीज़ें आने वाले दिनों में विलुप्त हो जाएंगी जो हमारी आने वाली पीढ़ी शायद देख भी ना पाए। अभी आप लोग देख रहे होंगे पेट्रोल डीजल का रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ क्यों रहा है, हम लोग ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं। पहले एक परिवार में 5 आदमी होते थे, एक गाड़ी में काम चल जाता था, 5 गाड़ी में भी काम नहीं चलता, ठीक है, ऊपर से उनको एक कार चाहिए 2 लोग के लिए, 5ों के लिए एक SUV चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, ये क्या है, लापरवाही ही तो है ना। तो ये इन सब लापरवाही के चलते हम लोग नेचुरल, बहुत सारे मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्स को ना हम लोग क्या कर रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नहीं देख पाएंगी। और इन सब चीज़ों की वजह से ये जो न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजना, न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है, उन सब चीज़ों का जरूरत पड़ रहा है, नहीं तो हमारे पास काफ़ी मात्रा में नेचुरल सोर्स था जिसको हम लोग अगर बचा बचा के यूज कर दें तो वो कई 100 सालों चलता, लेकिन हम लोग लापरवाही पूर्वक यूज कर रहे हैं। तो जो आप लोगों ने देखा जो वायु प्रदूषण के मेन मानवीय स्रोत हैं, तो उसमें पहले नंबर पर एक औद्योगिक है, अब वो क्यों है वो चीज आप लोगों को मैंने अभी बताया, वाहन भी है ठीक, वो दूसरे नंबर पर आता है, और ये सब चीज़ें हैं जो आपके मानवीय स्रोत के अंतर्गत आती हैं, ठीक। थैंक यू।